फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेकंड का टॉपिक आवर बॉडी के बारे में, जिसमें मैं बॉडी के पार्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इंटरनल पार्ट्स और एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये भी डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिमाइंड करा देती हूँ फिर से कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है बॉडी के बारे में ही। तो यहाँ पर जैसे बॉय की पिक्चर है और यहाँ पर मैंने उसके नेम्स लिखे हुए अलग अलग, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने हेड बनाया है, ये हेड है, ये हेयर्स, फॉरहेड, आईज, नोज, नेक, हैंड, स्टमक, नी, लेग, फुट, टोज, फिंगर्स, चेस्ट, शोल्डर, फेस एंड ईयर्स। इस तरीके से आप कोई भी बॉडी की पिक्चर लेकर बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बच्चों के खुद की ही मतलब बॉडी को उसका सिंबलाइज करके उसको बता सकते हैं कि किसको क्या कहते हैं ये बच्चे। अब बात आती है कि बॉडी होती क्या है। बॉडी एक वंडरफुल मशीन है और जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो उस तरीके से ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बॉडी क्या क्या काम करती है, या सॉरी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। फेस आता है सबसे पहले। फेस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? टू आईज, टू ईयर्स, वन नोज एंड वन माउथ। बच्चों को अलग अलग इसको एक्सप्लेन कीजिए और इन्हीं को हम सेंस ऑर्गन्स भी बोलते हैं, आईज, ईयर्स, नोज। उसके बाद आता है माउथ। माउथ में टू लिप्स, वन टंग एंड टीथ इन अवर टू जॉज। माउथ में क्या होते हैं? दो लिप्स होते हैं, टंग होती है और अंदर उसमें मुंह में क्या होता है? टीथ होते हैं। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, इंटरनल का मतलब इनसाइड। तो ये भी आपको बच्चों को बताना है। उसके बाद आउटसाइड के एग्जांपल लेकर बताएंगे, जैसे लेग, हैंड, आईज, वो आउटसाइड पार्ट्स जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, जिनको हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स कौन से होते हैं? जैसे ब्रेन, हार्ट, स्टमक, ये नाम तो होते हैं बट इनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। बस इनके नाम से ही हमें पता है कि ब्रेन होता है, हार्ट होता है, स्टमक होता है, बट ये हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक आता है इसमें ब्रेन। इट डायरेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू देयर टास्क। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लर्न एंड थिंक। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन हमारा इंटरनल पार्ट होता है बॉडी का, जो बहुत सारे काम करता है और ये लर्न करने के लिए, सोचने के लिए, इन सब चीज़ों का ब्रेन ही काम आता है। और इसके अलावा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे आईज, ईयर्स, स्किन, नोज, टंग, ये सारे सेंस ऑर्गन्स में जितने भी ये काम करते हैं वो सब कौन हेल्प कराता है? ब्रेन कराता है। जैसे आईज क्या काम करती है? सी, देखने का काम करती है। नोज, स्मेल। ईयर्स, हेयर। टंग, टेस्ट। स्किन, फील। तो ये सब जो हमें महसूस होते हैं सारे ऑर्गन्स, ये हमारे ब्रेन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हार्ट। इट इज ऑन राइट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। ये सभी को पता है कि राइट हैंड में हार्ट होता है और लेफ्ट साइड पर। इट वर्क्स लाइक अ पंप एंड सप्लाइज ब्लड। ये क्या काम करता है? ब्लड को सप्लाई करने के काम आता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तभी हम काम कर पाते हैं। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स क्या काम करती है? जो हम सांस लेते हैं वो नोज से सांस लेते हैं, बट वो जाती कहाँ पर है? वो लंग्स में पास हो जाती है और फिर वो पूरी ऑल ओवर बॉडी को पास करती है एयर को। स्टमक। वी ईट फूड विद आवर माउथ। जो भी हम खाना खाते हैं वो मुंह से खाते हैं, माउथ से खाते हैं। द फूड दैट पासिस थ्रू अ स्मॉल पाइप कॉल्ड फूड पाइप। जो स्मॉल पाइप होता है हमारा, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उससे हमारा खाना आगे बढ़ जाता है, पास हो जाता है और वो एक बैग के पास मतलब कनेक्ट होता है
जिसको हम बोलते हैं स्टमक, वहां पर जाके वो पहुंच जाता है। उसके बाद आता है बोन्स एंड मसल्स। आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू वॉक, रन, प्ले एंड डू वेरियस एक्टिविटीज। बोन्स और मसल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें कि जितनी भी बॉडी की जो फिजिकली एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब हमारी बोन्स और मसल्स की वजह से ही हो पाती हैं, जैसे वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, ठीक है, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। बोन्स हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? 206 बोन्स होती हैं और 600 मसल्स होती हैं। तो ये भी बच्चों को वर्बली आपको लर्न कराना है। उसके बाद पोस्चर। पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी कीप आवर बॉडी व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव। पोस्चर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे हमारे जो फिजिकल अपीयरेंस होता है बॉडी का वो नज़र आता है। जैसे बहुत से लोग झुक के चलते हैं तो वो नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं वो तो उसकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो सिट, स्टैंड और मूव का होता है, ये भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट आता है केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हमें अपनी बॉडी की मसल्स को, बोन्स को केयर करनी चाहिए, और वो कब पॉसिबल होगा? जब हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली। तो एक्सरसाइजेज में कौन कौन से पार्ट्स आ सकते हैं? प्लेइंग का भी आ सकता है, प्लेइंग, स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग एंड रनिंग, ये सब एक्सरसाइजेज के पार्ट हैं। अगर हम ये सारे काम करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो हमेशा बिल्कुल फिट रहेगी। आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डज सम वर्क और एक्सरसाइज। हमारी बॉडी क्या काम करती है? वर्क। द बॉडी पार्ट्स वी कैन सी कॉल्ड, जो हम देख सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल पार्ट। हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप। All bones join to form a framework called, जो सारी body की जो मतलब जो bones होती हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, उस frame को क्या बोलते हैं? Skeleton. Next है fill in the blanks. There are many dash fixed on our two jaws. क्या होते हैं? Our dash parts we cannot see are called internal parts. कौन से पार्ट नहीं देख सकते? बॉडी पार्ट्स। द डैश पार्ट इनसाइड आवर बॉडी आवर बोन्स। कौन सा पार्ट होता है सबसे, जिसको हम बोन्स बोलते हैं? हार्ड पार्ट, जो सबसे हार्ड होता है वो हमारा बोन्स होता है। द फूड पासिस फ्रॉम फूड पाइप इनटू द, कहाँ पे जाता है फूड? स्टमक। नेक्स्ट आता है इसमें फाइंड द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द वर्ड सर्च। इसमें बॉडी पार्ट्स सर्च करने हैं बच्चों को, इस तरह की एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, तो पजल में हमें सर्च करना है कि कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन कौन से। जैसे यहाँ पे हर्ट, इसके बाद स्टमक, आप इसका ही स्क्रीनशॉट लेकर भी आप करा सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं पजल, बहुत इजी होता है इसको बनाना। लीवर, लंग्स, इसके अलावा कुछ नजर आ रहा है? यस, ब्रेन। ऑलमोस्ट आई कंप्लीटेड। ओके, अब इस तरीके से आपको कुछ पजल्स की हेल्प लेकर बच्चों को ये सिखाने हैं, इनकी स्पेलिंग्स लर्न करानी है, फिलअप्स मैंने करा दिए, मल्टीपल चॉइस करा दिए। तो इस तरीके से आप चैप्टर को अगर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बॉडी पार्ट्स नेम लर्न कराने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।